वर्धा आर्ट इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में शनिवार को सूरज कुंड धाम परिसर में विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में धरती का सिंगार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बृहद रंगोली बनाई गई, जिसमें धरा को संरक्षित करने के लिए विभिन्न विभिन्न रंगोली के स्वरूपों को उकेरा गया। रंगोली गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र मनीष विश्वकर्मा ने बनाई। इनका सहयोग संस्था की मनीषा चारू, रचना आदि ने किया और विभिन्न रंगों से रंगोली बनाई, जो हर किसी को आकर्षित कर रही थी। इस अवसर पर संस्कार भारती के राष्ट्रीय नाट्य प्रमुख रविशंकर खरे, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एमजी डिग्री कॉलेज हृदय नारायण श्रीवास्तव, न्यायाधीश आर के त्रिपाठी, संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अनुदान योजना के सदस्य हरि प्रसाद सिंह, स्थानीय पार्षद जुबेर अहमद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विश्व मोहन तिवारी विश्वविद्यालय महिला संगठन की डॉक्टर जय श्री द्विवेदी, डॉक्टर वी के सिंह, नील रतन, रचना धुलिया और वर्धा आर्ट इंस्टीट्यूट के सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निर्देशक वर्धा आर्ट इंस्टीट्यूट रीना जायसवाल ने कहा। यह कार्यक्रम आयोजित है, आयोजित करते हैं, उसे और कुछ नहीं दे सकते तो उसे सम्मान दे सकते हैं, उसके प्रति श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। कब छटने वाला है, ऐसे आसार भी दिख रहे हैं। विकास की यात्रा यहाँ की जारी है। त्रेता युग में राज्यारोहण के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसी स्थल पर विश्राम किया था। इसी सात कुंडों वाले सरोवर में स्नान करने के पश्चात जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पिंड स्थापित कर भगवान राम ने सूर्य की उपासना की थी। इसके लिए गौरव की बात है आपका भी सूर्य कुंड में सक्रिय होना। एक साथ खड़े हो जाइएगा जरा अभी कितना वर्क किए। हाँ आज में इसकी स्थापना हुई और उसी समय रजिस्टर्ड हमने करा दिया था इस संस्था को। उसके पहले से कार्यलय थी संस्था, उसके चार पांच साल के बाद मैंने इसको रजिस्टर्ड करा दिया। एक विजय नाथ हुआ, इधर कई विद्यालयों में किया, जैसे बच्चे जागरूक, पौधारोपण का कार्य कई स्थानों पर कराया। चूँकि कल विश्व धरती दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मैं पूर्व संध्या के रूप में आज ये कार्यक्रम कर रही हूँ। धरती का श्रृंगार के नाम से ये कार्यक्रम है। धरती का श्रृंगार हम रंगोली और अन्य माध्यमों से तो कर ही रहे हैं, हालांकि धरती का श्रृंगार हुआ कि हम पर्यावरण को संरक्षित करें, सही रूप में यही देखा जाएगा। और बहुत से लोगों ने पौधा देने के लिए भी मुझे कहा है, या आने वाले दिन में मैं पौधारोपण भी यहाँ कराऊंगी, तो असली तो धरती का श्रृंगार वही होगा। और हम सब वैसे यहाँ मिल करके एक तरह से जन जागरूकता का कार्यक्रम है ये। धरती के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी जो निष्ठा है, उसके प्रति हम अपना सम्मान यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पर रंगोली बनवाने का जो भी हमारा उद्देश्य रहा है कि ये उसी का एक हिस्सा है, धरती का श्रृंगार। हम उसको किस तरह से सजा सकते हैं, अपनी पृथ्वी को, अपनी धरती को, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। कुछ बहनें अपनी रंगोली अलग से भी बनाई हैं और यहाँ पर एक बड़ी रंगोली आपको दिख रही है और इसको मनीष जी ने बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया है, इसकी बधाई के पात्र हैं।